कौन कहता है कि मनीषा रानी, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हानी या फिर बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट की वजह से हाइप में आई। कौन कहता है कि मनीषा रानी को हाइप के लिए कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत है। मनीषा ने अपने हेटर्स को एक बार फिर अपने कामों से दिया ऐसा जवाब। मनीषा ही नहीं, मनीषा के साथ कोलैब करने वालों का भी चला सिक्का। बदली किस्मत और ट्विटर पर हुए नंबर वन पर ट्रेंड। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। अब इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग जो सोलोज है खास करके ऑब्सेस्ड रहते हैं मनीषा से, वो लोग बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मनीषा को लेकर जितनी भी बातें की जाती है कि भाई मनीषा को तो हाइप एल्विश यादव की वजह से मिला है, अभिषेक मल्हन की वजह से मिला है, टोनीशा चला के टोनी कक्कर की वजह से मिला है, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है। मनीषा को हाइप यूं ही किसी की शिपिंग फैंडम की वजह से नहीं मिला। मनीषा की क्यूट केमिस्ट्री लोगों के साथ इंजॉय की गई। इवन आज भी अगर आप देखो तो मनीषा की तो रिस्पेक्ट खुद एल्विश यादव भी करते हैं। एल्विश यादव जो कि अपने आप में बेबाकी से जवाब रखते हैं हर बात पे, एल्विश यादव का वन लाइनर तैयार रहता है। लेकिन जब बात मनीषा की आती है तो एल्विश की भी कहीं ना कहीं बोलती बंद हो जाती है। वो भी एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मनीषा के लिए। अभिषेक मल्हन जो कि मनीषा को अपनी छोटी बहन मानते हैं, जाहिर सी बात है इनकी केमिस्ट्री को भी बिग बॉस के घर में लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो यहाँ तक तो ठीक है कि चलो अभिषेक के साथ, एल्विश के साथ मनीषा का नाम जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये तीनों ही कंटेस्टेंट बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, उचना अमित जिसके साथ मनीषा का सॉन्ग आ रहा है, मनीषा के साथ सॉन्ग करके कोलैब करके ट्रेंडिंग में आ गए थे उचना अमित। उचना अमित के आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए किस तरीके से मनीषा के जो फैंस हैं वो यहाँ पर भी हाजिरी लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मनीषा की हाइप क्या है। मनीषा को कुछ लोग ये कह रहे थे कि मनीषा रानी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं, उन्होंने जानबूझकर एल्विश यादव के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए अपने म्यूज़िक वीडियो की हाइप देने के लिए। लेकिन मनीषा को हाइप के लिए कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मनीषा अगर एक कोलैब भी कर जाए तो किस तरीके से किस्मत बदल जाती है, या आप ठगेश से जाके पूछिए। ठगेश के कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो कि मनीषा के फैंस किस तरीके से प्यार दिखा रहे हैं। इवन ठगेश जो है वो ट्विटर पर बिना बिग बॉस में गए और बिना ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी किए, इवन ई लफड़ा जो रजत दलाल के साथ हुआ था उस समय भी ठगेश ट्विटर पर ट्रेंड नहीं हुए थे। लेकिन मनीषा के साथ एक रोमांटिक रील आई, मनीषा के साथ एक व्लॉग आया और रिजल्ट आया सामने कि ठगेश हुए ट्विटर पर ट्रेंड। ठगेश जो है वो ठगेश और मनीषा की जो कोलैब वीडियो है वो हर तरफ ट्रेंड हो रही है। इनकी केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया है। अब इसमें दरअसल बात ठगेश की नहीं है, मनीषा का रॉब रुतबा ही ऐसा है। मनीषा इतनी डाउन टू अर्थ है, मनीषा का जो क्यूट केमिस्ट्री होता है किसी के भी साथ वो लोग को बहुत पसंद आता है ऑन स्क्रीन। यही वो बड़ी वजह है कि ठगेश के साथ भी मनीषा की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। इवन अब लोग वेट कर रहे हैं कि ठगेश और मनीषा का और भी कोलैब या फिर प्रोजेक्ट कब आएगा। तो ये तो मनीषा की ताकत है, ये मनीषा के फैंस का पावर है कि किसी के साथ एक छोटी से छोटी रील पोस्ट करके भी ट्रेंडिंग में ला देती हैं मनीषा रानी। तो यहाँ पर मनीषा ने अपने हेटर्स को बिना बोले जवाब दिया कि मनीषा को हाइप के लिए कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी इज़ रूलिंग लाइक अ क्वीन। और वो बिग बॉस से निकलने के बाद जो 15 दिन की रानी कह रहे थे, आज एक साल होने आ गया है, उनकी भी बोलती बंद हो चुकी है। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या आप भी मेरे बात से इत्तेफाक रखते हो, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हाइप और कॉन्ट्रोवर्सी से ही किसी का भी स्टारडम और हाइप बनाया जा सकता है, या आप मानते हो कि मनीषा रानी बहुत ज़्यादा अपने फैंस से लॉयल हैं और मनीषा का कनेक्शन फैंस से बहुत यूनिक है। ये वो बड़ी वजह है कि मनीषा को लोग इतना प्यार देते हैं। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।